जन्मदिन जिसका है पावन महात्मा वो कहाया था, हुआ था देश बंदी गुलामी से छुड़ाया था, शहीदों के हम प्यारे हैं उन्हीं के हम दुलारे हैं, या मुक्ति हमें जिसने उन्हीं के हम सहारे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव काल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हर तरफ तिरंगा यात्रा से लेकर ध्वजारोहण कार्यक्रम तक की धूम रही। जिले के चतुर्दिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस शान से मनाया गया और शान से फहराया गया तिरंगा। ज्ञानपुर स्थित KNPG कॉलेज में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में और आई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य की विधवा रुक्मणी देवी को सम्मानित किया। डिग ब्लॉक के बिरमा पहाड़पुर गांव स्थित जगवंती देवी हीरानंद पांडे महाविद्यालय और हीरानंद पांडे बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। औराई क्षेत्र के आदर्श बाल शिक्षा निकेतन जयरामपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक युवा समाज सेवी ऋषि शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सुशील पांडे, चिंटू पांडे, सचिन शुक्ला, जयरामपुर के ग्राम प्रधान राहुल शुक्ला, ज्ञान शुक्ला समेत बड़ी संख्या में, आपको बता दें, औराई क्षेत्र निवासी और हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक ऋषि शुक्ला युवाओं में खासा लोकप्रिय है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा समेत देश के कई प्रदेशों में प्रवासी उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनकी भव्य स्वागत आगवानी की थी। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वह क्षेत्र के कई समारोह में शामिल हुए। ऋषि शुक्ला ऐसे युवा हैं जिनके पीछे युवाओं की पूरी फौज रहती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर ऋषि शुक्ला ने क्षेत्र वासियों का उत्साह वर्धन किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम विद्यालयों से लेकर ग्राम पंचायतों तक देखने को मिली। वैद्यनगर स्थित श्रीमती प्रेमा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य राम शेखर सिंह ने ध्वजारोहण किया, साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। डिग ब्लॉक के ग्राम पंचायत सागर रायपुर के अमृत सरोवर पर बर्तन व्यवसायी और ग्राम पंचायत सदस्य अजय पांडे ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान ग्राम प्रधान समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। जंगीगंज पुलिस चौकी पर भी ध्वजारोहण किया गया। चौकी प्रभारी अविनाश राय ने पुलिस कर्मियों के साथ ध्वजारोहण करने के बाद तिरंगे को सलामी दी। डिग ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोपालपुर में ग्राम प्रधान शिवचरण निषाद ने ध्वजारोहण किया। डिग ब्लॉक के मदनपुर बीचपुर गांव निवासी प्रमुख समाज सेवी और भाजपा के वरिष्ठ सदस्य विजय शंकर पांडे ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर शान से तिरंगा लहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जंगीगंज से गोपीगंज तक तिरंगा यात्रा निकाली गई तो डिग ब्लॉक के प्रयागदासपुर ग्राम पंचायत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमृत सरोवर पर भी तिरंगा शान से लहराया गया। ग्राम प्रधान मनोज पांडे ने ग्रामीणों के साथ पौधरोपण भी किया, साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत प्रयागदासपुर के अमृत सरोवर के सुंदरीकरण कार्य को लेकर जानकारी भी दी थी। डिप्लॉक के बहुचर्चित ग्राम पंचायत महुआरी में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान रमेश मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी संजय सिंह चौहान ने ग्रामीणों संग ध्वजारोहण किया, साथ ही उन्होंने पौधरोपण भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे थे। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे ग्राम सभा सचिवालय पे झंडा फहराया गया और सभी सदस्यगण, हमारे सचिव जी सब उपस्थित थे, हमारे मित्रगण सब। आपके क्लस्टर में कहां कहां कार्यक्रम आयोजित हुआ? 15 अगस्त के ऊपर 75वें अमृत आजादी अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है। आज हमारे क्लस्टर में महुआरी, कुलमनपुर, सराय जगदीश, किशनदेवपुर, नारेपार, बारीपुर में धूमधाम से आजादी अमृत वाटिका का भी